बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। आज जो बिल जो दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में विधायक जो लाया गया है, मैं कहूँगा कि वैसे तो ये केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के अधिकारों का हनन करने की स्पेशलिस्ट है, चाहे वो खेती कानूनों के जरिए हो जो कि स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन वनज और व्यापार लिख के यहाँ से पास कर दिया गया, चाहे वो राज्यपालों के जरिए हो। मैं अध्यक्ष जी थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी को बिलोंग करता हूँ और हमारी सरकार को शक्तिहीन करने का ये बिल है। मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस बिल को जो है विरोध किया है, क्योंकि कल बारी किसी की भी आ सकती है। उपाध्यक्ष जी, 22-23 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है दिल्ली से, तो इनको हार हजम नहीं हो रही, खुद इलेक्शन भी लड़ते हैं। चलो ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है सबका, विचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप हार गए तो विपक्ष में बहना सीखिए, आप पहले इधर भी तो विपक्ष में बैठते थे, अब विपक्ष में बहने की आदत, विपक्ष में बैठने की आदत छोड़ रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया था लोगों ने, लेकिन जहां चुनाव से नहीं आते वहां उपचुनाव से आ जाते हैं। कर्नाटका में बीजेपी के लिए वोट नहीं किया था, उपचुनाव से आ जाते हैं। तो अभी जब संविधानिक पीठ जो सुप्रीम कोर्ट की, उसने फैसला दिया 2018 में कि तीन विषयों को छोड़कर बाकी सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार चलाएगी, तो ये लाट साहब का डंडा क्यों लाया जा रहा है यहां? आपको पता है मैडम, जिस घर में एलजी रहते हैं अंग्रेजों के जमाने में वहां वायसराय रहते थे, शायद उसी वायसराय की आत्मा जो है आप उसके जरिए दिल्ली को चलाना चाहते हैं। फिर इलेक्शन करवाने का फायदा क्या हुआ? इलेक्शन करवाने का क्या फायदा हुआ मैडम, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले सकता? आप मुझे बता दीजिए, और उस आदमी को जो मैगसेसे अवार्ड विनर है उसको पता नहीं नार्किस्ट नाली का कीड़ा, पता नहीं ये वो ऐसा आदमी है जिसने कहा कि मेरा 5 साल का काम देख लो, दिल्ली की जनता को कहा अगर काम अच्छे लगते हैं तो वोट कर देना वरना नहीं। आप कर सकते हैं, इसके लिए जिगरा चाहिए? आप कहते हैं ये तो जुमले थे, 15 लाख ये काला धन जुमले थे। इसलिए मैं ये कहता हूं अपने मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य की बात करते रहे, आडवाणी जी बात करते रहे, वो अलग बात है उनकी बात के आप हर बात उल्ट चलते हो, शायद आडवाणी जी की याद दुखी हो रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। असल में क्या हुआ, जब दुखी किस बात से, 2-3 बार तो मुख्यमंत्री के घर पे दरोगे भेज के रेड करवा दी, पहले हमसे एंटी करप्शन ब्यूरो छीन ली। अब क्या दिक्कत है भाई आपको, क्यों विपक्ष में बैठने से दिक्कत क्या है? आपकी 8 सीटें हैं, 8 MLA हैं, वहां रखें। आपने यहाँ पे बिट्टू जी बैठे हैं, आपने यहाँ पे कांग्रेस को जो LOP का दर्जा नहीं दिया, लेकिन हमने जब आपके 3 थे ना उसको भी LOP बनाने का दर्जा दिया था कि लोकतंत्र है, भले ही 3 है, हालांकि परसेंटेज के मुताबिक वो बहुत कम थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमने स्टेडियम नहीं दिए किसानों को, वहां पे आप जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे थे, तब से हमारे मुख्यमंत्री पर और हमारी सरकार से नाराज चल रहे हैं। जनाब कौन चलाता है सरकार ये तो सबको पता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे सामने बैठे हैं साक्षी महाराज जी, इनका बयान पिछले कई कुछ देर पहले का, क्या अब देश में चुनाव ही नहीं होने चाहिए? कल यही भी बिल ले आओगे कि देश में चुनाव नहीं होंगे, पुतिन की तरह 2036 तक मोदी रहेगा, हैं? ये फेडरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं आप किसको? मैडम मीनाक्षी जी, आप कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर से अब हमारा देश नहीं चलता, तो कब? आप मुझे बता दीजिए, तानाशाही से चलेगा क्या? तानाशाही से चलेगा क्या? आप वकील हो इसका मतलब ये नहीं है, आप वकील हो इसका मतलब ये नहीं है क्या? आप यहाँ केस लड़ रहे हो, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। अरे कल आप कह दोगे कि जो राज्यसभा में चुने हुए दिल्ली के 3 सांसद हैं, वो किसी वोटिंग में भी नहीं हिस्सा ले सकते, वो किसी डिबेट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो उन MLA ने चुने हैं जिनके पास शक्ति नहीं है। किस तरफ लेके जा रहे हैं देश को आप? थोड़ा बहुत तो ख्याल कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम, दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली के स्कूलों की बात, दिल्ली के अस्पतालों की, 73% दिल्ली को बिजली 0 बिल आता है, और दिल्ली के जहां 70 सालों तक पानी नहीं पहुंचा वहां तक पानी पहुंचा दिया, और दिल्ली के आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री जिस ट्रंप के लिए वहां पे प्रचार करके आए थे, उसकी पत्नी क्या MCD के स्कूल देखने आई थी? स्कूल दिखाया केजरीवाल का, और केजरीवाल को बैन कर दिया वहां नहीं आ सकते। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज फ्री है, दिल्ली में एक
जज का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा और एक डिप्टी कमिश्नर का बेटा एक ही बेंच पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने ये शिक्षा जो है प्रणाली, मैडम एक मिनट तो दे दीजिए, जितनी देर मीनाक्षी जी घंटी के बाद बोली थी वो तो दे दीजिए, इनको क्या हो रहा है? आप दिल्ली को तानाशाही तरीके से लाट साहब के डंडे से चलाना चाहते हो, बिल्कुल गैर संवैधानिक है, बिल्कुल संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, और इस बिल को तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि आप अगली बार तुम जीत गया ना भाई, अगली बार तुम जीत गया ना, पहली बार हुआ है मैडम, मैडम लास्ट में पहली बार हुआ है देश की हिस्ट्री में कि 90% से ज्यादा बहुमत लेके कोई सरकार आई है। आप अपने अपने आप हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हारना सीखिए वरना इतनी बड़ी हार आप झेल नहीं पाओगे फ्यूचर। इतना क्यों चिल्लाते हो? वही बात अच्छे से बोलो, लग रहा है कि लाठी मार कर रहे हो, और उससे नहीं बोला जाता है ना। मीनाक्षी जी बोलिए। अध्यक्ष जी, अभी अभी मेरे साथी सांसद ने कहा एक ही स्कूल के बेंच पर एक डिप्टी कमिश्नर का बच्चा, एक जज का बच्चा और एक रिक्शा वाले का बच्चा बैठे हैं। मैं उन बच्चों की, उनके माता पिता की जानकारी इनसे प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे वो डिटेल दें और स्कूल का नाम बताएं। क्योंकि ऐसा हो गया, ठीक है।